नमस्कार दोस्तों, मैं कपिल सिंह आज आपके लिए लेकर आया हूँ रेजिस्टेंस कलर कोडिंग। लास्ट वीडियो में कई व्यूअर्स के कमेंट आए थे कि सर रेजिस्टेंस कलर कोडिंग पे वीडियो बनाइए, तो मैं आज कोशिश कर रहा हूँ कि जो मैंने वीडियो बनाया उसमें आपको रेजिस्टेंस कलर कोडिंग अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहले मेरा एक फॉर्मूला है जो आपको याद करना पड़ेगा। ये फॉर्मूला है हमारा बीवी रॉयल ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। तो इसमें ये बीवी रॉयल ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, इसको द्वारा हम जो कलर है उनको सबको याद करेंगे। तो बी फोर हमारा हो गया ब्लैक, बी से ब्लैक, वी से ब्राउन, आर से रेड, ओ से ऑरेंज, वाई से येलो। अब जियो ये हमारा पूरा हमने सेंटेंस लिखा है, इसमें स्टार्टिंग का सिर्फ एक लेटर लेना है। इसमें इस वाले में हमने इसका लिया जी, जी से हो गया हमारा ग्रीन। ऐसे नेक्स्ट ब्रिटेन का हमने लिया बी, बी का हो गया ब्लू, फिर वेरी का हमने लिया वी, वी से वॉयलेट, जी गुड का लिया हमने जी, ग्रे, और वाइफ का स्टार्टिंग का लेटर लिया हमने डब्लू, डब्लू से हो गया हमारा वाइट। तो हमारे जो कलर होंगे जीरो से लेके नाइन तक होंगे। जीरो होगा हमारा ब्लैक, ब्राउन वन, रेड टू, ऑरेंज थ्री, येलो फोर, ग्रीन फाइव, ब्लू सिक्स, वायलेट सेवन, ग्रे एट, और नाइन पे हो गया हमारा वाइट। तो ये था हमारा कलर कोड और ये था हमारा कलर जीरो से लेके नाइन तक। टोटल हमारे 10 कलर होंगे जिसमें हमारा जीरो होगा ब्लैक का और नौ होगा हमारे वाइट का। तो ये तो था हमारा फॉर्मूला कलर याद करने का। अब इसके बाद जो हमारे कलर कोडिंग के अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस होते हैं वो तीन बैंड से लेके छह बैंड तक के होते हैं। तो बैंड क्या होता है, बैंड का मतलब है कि जो भी रेजिस्टेंस है उसके बीच में जो लाइनिंग दी होगी किसी भी कलर की, मतलब उसमें तीन स्टार्टिंग में तीन लाइन होंगे, कोई भी तीन कलर की लाइन होगी, चार की हो सकती है, पांच की हो सकती है और छह की हो सकती है। ठीक है, तो इस तरीके से मैं एक दर्शा रहा हूँ आपको। इस तरीके से ये से तीन हमारी लाइन हो गई, जिसमें पहला कलर हमारा सपोज करो ब्लू है, नेक्स्ट है हमारा रेड और नेक्स्ट हमारा गोल्डन। तो इसमें जो फर्स्ट वाला होगा ये हमारा डिजिट होगा, सेकंड वाला हमारा हो गया मल्टीप्लायर, और नेक्स्ट हो गया हमारा टॉलरेंस। ये तो था हमारा थ्री बैंड का रेजिस्टेंस, ये जो मैंने आपको दिखाया थ्री बैंड रेजिस्टेंस। सेम ऐसे अगर फोर बैंड का रेजिस्टेंस है उसमें ये डिजिट हो गया, ये डिजिट हो गया, ये मल्टीप्लायर, लास्ट वाला हमारा टॉलरेंस। तो कंफ्यूजन यहाँ पे भी रहता है कि इसमें हमें बैंड पता चल गया फोर बैंड का है, फाइव बैंड का है, थ्री बैंड का है, लेकिन टॉलरेंस किधर से होगा, कैसे पहचानेंगे? इसकी पहचान करने के लिए कुछ नहीं करना है, एक सिंपल सा मेथड मैं आपको बता रहा हूँ कि जो हमारी जो लास्ट वाली स्ट्रिप होती है, ये लास्ट वाली स्ट्रिप और उसके नेक्स्ट, इन दोनों स्ट्रिप के बीच में जो बैंड गैप होगा वो ज्यादा होगा, इनके बीच का जो गैप होगा वो इनके कंपेयर में ज्यादा होगा। तो जिधर भी बैंड गैप लास्ट की दो डिजिट के बीच में बैंड गैप जिधर ज्यादा होगा वो उधर से हमारा होगा टॉलरेंस। तो ये हमने दिखाया आपको थ्री बैंड और फोर बैंड का रेजिस्टेंस, ये हो गया हमारा फोर बैंड का रेजिस्टेंस और ये हमारा थ्री बैंड का रेजिस्टेंस। तो हम इनकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, वैल्यू निकालने के लिए मैं अभी एक एग्जांपल ले रहा हूं।
आशा करता हूँ इस एग्जांपल से आप रेजिस्टेंस कलर कोडिंग की वैल्यू निकालना सीख जाएंगे। जैसे कि मैं अभी यहाँ पे एक 4 ओम का रेजिस्टेंस ले रहा हूँ, ये हमारा एक 4 ओम का रेजिस्टेंस है जिसमें हमारा एक कलर है ग्रे, ब्लू, ग्रीन, सिल्वर, ठीक है। तो ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया 4 ओम का। इसके कलर कोड हमें पता है ग्रे, ब्लैक, ग्रे, ब्लू, ग्रीन और सिल्वर। अब कैसे हम इसकी वैल्यू निकालेंगे? अभी जो मैंने यहाँ पे एक वीडियो के अंदर टेबल बनाई हुई है, इसमें सबसे पहले हम देखेंगे ग्रे कौन से नंबर पे आता है। ग्रे आता है हमारे 8 नंबर पे। तो फर्स्ट डिजिट में हम देखेंगे ग्रे का कोड लिख दिया हमने 8। नेक्स्ट उसका ब्लू, ब्लू है हमारा 6 नंबर पे, इसको हम देखेंगे सेकेंड डिजिट में। तो इसका जो कोड है 6। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा ग्रीन, ग्रीन का हमारा 5 कहाँ पे देखेंगे हम मल्टीप्लायर में इनटू 10^5। अब इसके बाद सिल्वर, सिल्वर और इसका जो टॉलरेंस होगा प्लस माइनस 20। यहाँ तक लिख लिया हमने। अभी प्लस माइनस 20 या 5 या 10 ये क्या होता है? इसका टॉलरेंस का मतलब होता है कि कोई भी वैल्यू इससे 5% अगर ले आए तो 5% अगर ज़्यादा भी ले सकते हैं तो 5 उससे कम भी ले सकते हैं। अगर हमारे पास कोई भी रिपेयरिंग कर रहे हैं, कोई भी कंपोनेंट अगर हम तैयार कर रहे हैं और एग्जैक्ट वैल्यू का रेजिस्टेंस हमारे पास में नहीं है, तो हम सपोज करो जैसे हमारा 86 है, तो 86 यहाँ पे 20%, तो 20 मतलब 86 प्लस 20 भी कर सकते हैं और 86 में माइनस 20 भी कर सकते हैं। इसके बीच में जो भी रेजिस्टेंस होगा वो उससे करके हम लगा सकते हैं। तो 86 इंटू 10^5 यहाँ पे हमने देखा था मल्टीप्लायर में, तो 10^5 को हमने क्या लिखा था 100 किलो 86 इंटू 100। तो ये हो जाएगा हमारा 8600 किलो प्लस माइनस 10%। इसी तरीके से अगर और एग्जांपल लें, 5 ओम का जैसे अगर लेते हैं, तो यहाँ पे वैल्यू मैं चेंज कर दे रहा हूँ। यहाँ पे हमारा रेड, ऑरेंज, ग्रीन, ब्लू और गोल्डन। तो सेम जैसे हमने लास्ट वाले एग्जांपल में देखा था रेड, रेड का इधर फर्स्ट डिजिट में देखेंगे रेड का होगा 2। नेक्स्ट उसके बाद ऑरेंज, ऑरेंज का सेकंड डिजिट में देखेंगे 3। फिर उसके बाद हमारा ग्रीन, ग्रीन 5। यहाँ तक हम एज इट इज लिखेंगे, ये सारी हमारी 1 से लेके 3 तक डिजिट हो गई। नेक्स्ट हमारा जो ब्लू है, अब ये आएगा हमारा मल्टीप्लायर में इंटू 10^6 प्लस माइनस गोल्डन, गोल्डन का जो हमारा टॉलरेंस होगा प्लस माइनस 5%। इसको और क्या लिख सकते हैं हम 235, 10^6 को हमने लिखा था यहाँ पे 1 MΩ। तो हमारा एग्जांपल
जो हमने लिया था उसका आंसर आया 235 मेगा ओम। इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के रेजिस्टेंस कोई भी हो, बिना मल्टीमीटर की सहायता से भी हम सिर्फ रेजिस्टेंस में कलर कौन सा दिया है उसकी वैल्यू के द्वारा ही हम अपने रेजिस्टेंस की कलर कोडिंग निकाल सकते हैं। आशा करता हूँ कि मेरा जो वीडियो मैंने बनाया है उसमें आपको रेजिस्टेंस कलर कोडिंग समझ आई होगी, और आप अगर पहली बार ये वीडियो मेरे चैनल पर देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।